चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दसवा बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपसे जीएस पोर्शन के रूप में भी पूछ सकता है कि बताओ कि जो मून है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के मुकाबले कितना है। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के मुकाबले 1/6 है। 1/6 मतलब 6 गुना कम है चांद का अपना खुद का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, अर्थ की अगर बात करें तो 9.81 होता है जबकि चांद पर होता है 1.33। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखो। एक बात और, अगर यहाँ पर वेट W है तो वहाँ पर W/6 वेट निकल कर आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6। देखो वही वाली बात आ गई, जितना वेट यहाँ है अर्थ के सरफेस पर है उसका 6 गुना कम है मून पर। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन्स ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट बताओ मून पर कितना होगा और अर्थ पर कितना होगा। तो ये तो पता है कि जो अर्थ पर होगा वो मून का 6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो पता है क्लियरली। जब आपको इतना पता है ना तो आप कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन क्या कर लो, आप दोनों फोर्सेस की बात कर लो, मून की बात कर लो और अर्थ की बात कर लो। तो दोनों फोर्सेस में 6 गुने का फ़र्क होगा। अगर आप देखेंगे कि मून पर 90 है और अर्थ पर भी 90 है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि जितना वेट यहाँ है उतना वेट वहाँ भी हो। दूसरा, ये 102 है और ये 16 है। तो आप देखें क्या 16 का 6 गुना करेंगे, 16×96, हाँ तो लगभग 6 गुना तो बैठ रहा है भाई इसका। अभी इसको पेंडिंग में छोड़ो, इसको देखते हैं क्या 20 का 6 गुना करेंगे 100 आएगा। नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो या तो ऑप्शन आपका ए बैठेगा या ऑप्शन आपका डी बैठेगा, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है भाई, 16×96 देख लेते हैं क्या रहने वाला। अब मैं वेट देख लेता हूँ, वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी के मास कितना 10 किलोग्राम का, ये अर्थ पर बात कर रहा हूँ। जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 9.8, मल्टीप्लाई करोगे तो 98 न्यूटन का आ गया। वेट कितना आ गया 98 न्यूटन। अब बात कर रहे हैं हम मून की, तो मून पर जो होगा वेट मून पर जो होगा वो 98 का 6 गुना कम होगा। डिवाइड कर लो, 98 की 6 से भाग कर लो, 6×6 घटाने पर 3 आ गए, उतार लिया 8, 6×36 घटाने पर 2 आ गए, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 6×3 18, तो ये आ जाएगा 16.3 न्यूटन का। कितना आ जाएगा 16.3 न्यूटन। तो 98 न्यूटन और 16.3 न्यूटन कहाँ दे रखा, 98 और 16.3 ऑप्शन ए के अंदर। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को मुलाकात करते हैं। थैंक यू।